गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्काटा पेंटिंग क्लासेस। स्काटा पेंटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने हम फिर से एक बार लाइव आ चुके हैं और इस वाले लाइव में हम इसकी कलरिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आ गए हैं हम इसकी कलरिंग करने के लिए। तो और थोड़ा सा इंतजार करते हैं आप लोग का, उसके बाद हम इसकी कलरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, नीरज बिस्सा वेलकम। तो इसमें हम ऑयल कलर करने वाले हैं। और अभी आपके सामने ही कह रहेंगे, तो एक बार आप जल्दी से जल्दी वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और हमें पता है कि मैं भी गलत टाइम पे आ गया हूँ लाइव, बट हमारे पास में भी टाइम था तो मैं लाइव आ गया। ओके, तो चलिए ये देखेंगे कि मेरे पास में ऑयल कलर है, ठीक है ना। इसमें हमने तेल हमने निकाल कर रखा है, तो अब हम इसके ऊपर में कलरिंग करने वाले हैं। तो वो कलरिंग करने के लिए पहले जो पीछे वाला ये पार्ट है ना, ये जो एरिया है पीछे वाला, ये आगे का पेड़ हुआ और ये पीछे का पेड़ हुआ है ना। तो हम जो पीछे वाला पेड़ है ना, वो उसको पहले करेंगे। ओके, और इसके लिए हम पेंट को बिल्कुल ही पतला लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं लेंगे। ओके, आप लोग के जो कमेंट्स है, दूसरा फ़ोन खोल लेते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ सुनंदा जी वेलकम। अब आप लोग के कमेंट करने के लिए भी हमने फ़ोन यहाँ पे रख लिया है, ठीक। तो आइए फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में वाइट है, ये वाइट, इसमें हमने थोड़ा सा नीला डाल रहे हैं और थोड़ा सा ग्रीन भी डाल रहे हैं और थोड़ा सा ब्लैक डालेंगे। ओके, ये थोड़ा सा शेप ग्रीन भी डाल देते हैं। ये कुछ ऐसा रंग हमको यहाँ पे लगाना है। याद रहे कि पेंट को बिल्कुल ही पतला करके लगाना है। ओके, ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है। ओके, ये नीचे वाला एरिया को हम लाइट कलर में करेंगे। ओके, बिल्कुल लाइट, थोड़ा सा और हम रंग बना लेते हैं एक बार। ऑयल कलर में वो पेंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सा ब्रश चाहिए। ओके ना, अभी देखेंगे कि ये हमारा जो पेंटिंग है इसमें वो ज़्यादा इसमें वो है कि क्या बोलते हैं, ऊबड़ खाबड़ है, रफनेस है। ओके ना, तो इसके लिए हॉग ईयर ब्रश आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम भी यहाँ पे जो ओल्ड हो चुका जो ब्रश है ना, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे हॉग ईयर ब्रश का। ओके ना, यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल होगा नहीं, और होगा भी तो उससे अच्छा वर्क होगा नहीं और वो ब्रश भी जल्दी घिस जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इस रंग का इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, और रंग हम
बना लेते हैं ब्लैक थोड़ा सा डाल करके, थोड़ा सा और वाइट, ये रंग ठीक है ना, ना ये नीला है ना हरा है, ओके है अच्छा कलर। ऑयल इसमें ज़्यादा डालेंगे ओके, ताकि इसके अंदर में आसानी से जा सके ओके। ये देखिए इसके बीच वाले एरिया में ये गाढ़ा पेंट लगाएंगे तो जाएगा ही नहीं ओके। अब इसको हम यहाँ तक इसको करते हैं, यहाँ से ये घास है ना, घास का रंग हम अलग करेंगे। और जो लोग नए आए हैं कृपया करके एक बार वीडियो को शेयर कर दें वो ठीक, इधर भी इसी पेंट से इधर, ये देखेंगे कि बिल्कुल हम हल्का पेंट हम कर रहे हैं ओके ना। ये जो बैक साइड वाला है पेंट वो हम दे रहे हैं। वेलकम श्रेया कुमारी। और अभी हम हमारा एक्रिलिक में पोर्ट्रेट कलर का क्लास आने वाला है एक्रिलिक कलर में ओके ना। अगर आप लोग को ज्वाइन होना है तो उसका लिंक इसी वीडियो के साथ में हमने डाल रखा है ओके ना, वो भी बहुत अच्छा आर्ट है ओके। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन करके आप एक्रिलिक कलर का जो टेक्निक है सीख सकते हैं। तो इसको हमको ये बनाना है, ये लगा जाइए। अब आते हैं हम इस वाले को कलर को करने के लिए ओके ना। तो हम इस वाले कलर को करने के लिए थोड़ा सा रंग हम अलग रखेंगे, ये भी ग्रीन टोन में तो रहेगा बट वो ये हमने ऑयल ले लिया और येलो कर थोड़ा सा बंट सेना, ये ग्रीन थोड़ा ब्लैक थोड़ा सा और येलो कर थोड़ा वाइट, ये कुछ ये वाला रंग हम इसमें डालेंगे। इसको पतला कर लेते हैं बिल्कुल पतला ओके। ये अब ये भी ग्रीन है ये भी ग्रीन है बट वो अंतर है, थोड़ा सा रंग में हमने बदलाव किया है ओके। हाँ इसमें थोड़ा सा पेंट प्लेट में ज़्यादा बनाइएगा क्योंकि ये पेंट को जल्दी सूख ले रहा है। इसको भी इधर बदमा जी वेलकम। थोड़ा सा मुझे और रंग बनाना होगा। अब इसमें हमने कौन कौन सा रंग डाले हैं मुझे भी याद नहीं है बट यहाँ पे हमको एक कलर दिख रहा है ओके ना। तो यहाँ पे वाइट उठा लेते हैं ठीक है, येलो कर
थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा बर्न सेना, थोड़ा सा ग्रीन, ये ग्रीन और येलो कर लगभग में ये रंग बन गया। ओके, जो इस प्लेट में है वो रंग बन गया। आ गई शारदा जी, वेलकम। ये इसको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। बिल्कुल पतला पेंट लगाना है, उससे क्या होगा कि ये जो कलर है ना अंदर तक अच्छा से जाएगा। गाढ़ा पेंट लगाने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और ब्रश जल्दी घिसेंगे, इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल पतला पेंट करके लगा रहे हैं। वेलकम सोनिया जी, सबको वेलकम। जो जो लोग हमारे लाइव को देख रहे हैं हर किसी को वेलकम। ये वाला घास, ओके, पेंट हो गया। इसमें हुआ है क्या कि जो मैंने व्हाइट जो किया है ना, उससे अब ये जो ग्रीन कलर है ना, हमें ग्रीन कलर चाहिए तो ये अब ये उभर के आ रहा है। अगर इसको हम व्हाइट नहीं करते तो उस बालू वाले कलर पे ये कलर वो दिखता नहीं, ओके ना। तो जब दिखता नहीं तो अच्छा लगता नहीं, और अच्छा लगता नहीं तो मज़ा नहीं आता है ना, तो इसलिए मैंने इसको वाइट किया था। ओके, और इसमें हम जो कलर है ना, ये कंट्रास्ट कलर हम नहीं लगा रहे हैं, लाइट कलर ही लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आता है कि अब इसमें थोड़ा सा शेडिंग देना है, ओके ना। तो शेडिंग देने के लिए हमने क्या करना है, इसी में थोड़ा सा हमने बंट, एक बार रंग भी आपको दिखा देते हैं, बंट सेना ले लिए, थोड़ा सा ये ग्रीन डाल लिए, थोड़ा सा ब्लैक डाल लिए ये, और इसको अब हम थोड़ा पतला करके नीचे साइड में, इधर साइड में घास का थोड़ा सा शेडिंग दे देते हैं। ओके, ये इधर साइड में, नीचे साइड में ये देखिए, ये थोड़ा सा हमने अंतर किया है कलर में, ज़्यादा नहीं। ओके, ये देखिए, ठीक, इधर भी। ओके, ठीक, इधर भी, नीचे साइड में, इधर साइड में, याद रहे कि पेंट को बिल्कुल ही पतला करके लगाएंगे तो अच्छा से बैठेगा और जल्दी भी होगा, मोटा लगाना ही नहीं है। ये देख सकते हैं कि ये हमारा रंग बिल्कुल लाइट कलर में हम कर रहे हैं, इसमें डार्क कलर हम ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल लाइट कलर में, ठीक, इधर भी आ जाते हैं, इधर डार्क, थोड़ा सा 19-20 का अंतर है, बट इस 19-20 में भी वो अंतर तो दिख रहा है कि 19-20 है। अब यहाँ पे अगर आप इस वाले साइड में अगर थोड़ा सा और लाइट करना चाहते हैं तो हमने येलो लिया, टोन येलो, और येलो के साथ में वाइट हमने डाल करके यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको लाइट टोन में दिखाना है तो आप इसके ऊपर में लगा सकते हैं। ये प्रियम प्रियम वादा, प्रिय दर्शनी, प्लीज रिकैप इट,
रिकैप के लिए हमारा वीडियो को आप रिकैप करके देखिए, ओके, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लाइव एंड होने के बाद रिकैप करके देख लीजिएगा, ओके। हमने एक एक डिटेल बताया है ये, और इसमें एक खास बात ये भी है कि ये कलरिंग होने के बाद भी अगर इसमें और ऐड करना है ना, तो आप एडिंग कर सकते हैं, तो हम बाद में देखेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। अब आते हैं हम इस वाले को पेड़ को कलर करने के लिए, तो ये हम थोड़ा सा कंट्रास्ट में रखेंगे। इसके लिए हमने ये ग्रीन लिया, थोड़ा सा ब्लू लिया, और ये लिया ब्लैक, ये ज़्यादा ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसमें और थोड़ा सा ग्रीन हमने डाल दिया, थोड़ा सा येलो कर भी, और इसको कर दिया पतला, ओके, ये बिल्कुल पतला मैंने एक कर दिया। अब इससे मुझे ये बिल्कुल पतला, ये देखिए ये ऐसे ये बह रहा है, ये देखिए बिल्कुल पतला, ओके। अब इससे हमने यहाँ पे इसको रखना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से रंग थोड़ा सा अलग मुझे दिखाना है, बस ऊपर रखेंगे ये ऑटोमेटिक ये नीचे के साइड में लुढ़क जाएगा, ये देखिए। अभी तो हम ये बेस बना रहे हैं इसमें, अभी देखिए क्या क्या करते हैं, यहीं तक एंड नहीं है, इसको बड़ी सुंदर बनाना है। सुंदर कलरिंग होगी तभी तो जाके करके पेंटिंग अच्छा बनेगा, लगेगा कि हाँ ये पेंटिंग सुंदर लग रहा है। ये देखिए थोड़ा सा रंग और हमको बनाना होगा, रंग खत्म हो गया है, ओके। तो ये रंग यहाँ पे लग गया, अब हुआ कि क्या कि ये रंग हमारा हो गया खत्म। जब खत्म हो गया तब इसके लिए हम रंग बनाएंगे। तो होता है क्या है कि हमारी पहले ये मंशा थी कि हम एक ही कलर में इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, है ना। बट दिक्कत ये होगा कि रंग हो गया खत्म, तब यही रंग बनाने के लिए हम फिर से कलर इसमें लगाएंगे, तो थोड़ा सा 19-20 वो कलर आ जाएगा, ओके। तो आएगा तो उसमें ही भी घबराने वाला बात नहीं है, आने दीजिए, ओके। ये कभी 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 होता है क्या कि गलती में भी आपका काम अच्छा हो जाता है, ओके, ठीक है। ये कभी कभी आप लोगों ने भी खाना बनाया होगा, है ना, गलती से डालने को गोल मिर्च डाल दिए हींग, है ना, जब हींग के बनकर तैयार हुआ तो आपको लगा रही वाह ये भी अच्छा बन गया, है ना। तो यही चीज आर्ट में भी होता है, ओके। जितना भी पेंटिंग हम लोग बनाते हैं आर्टिस्ट लोग, हम अपनी बात आपको नहीं बता रहे हैं, जितने भी कलाकार लोग हैं जब वो रंग लगाते हैं तो उनसे भी हर पेंटिंग में गलती होती है, लेकिन गलती को मैनेज कर लेते हैं, ओके, उसमें एक अवसर ढूंढ करके उसको सुंदर बना देते हैं, इसी को ही आर्ट बोलते हैं, ठीक। ये बहुत ही हम बहुमूल्य बात आप लोगों को बोले हैं, जहां जिस आर्टिस्ट का पेंटिंग करते टाइम में हाथ रुक गया, थोड़ा सा सोच रहा है, तो जान लीजिए कि उसकी कलरिंग में जैसा सोच रहा था वहां पे वो थोड़ा सा रंग में वो उसे दिक्कत आ गई है, दिक्कत आ गई है, तो अब उसको सुंदर करने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सोच रहा है। अब देखेंगे कि ये रंग एक हो गया, ये अलग हो गया, है ना, तो ये अब अलग हो गया तो कोई बात नहीं, ये हो गया, मैंने कलरिंग कर दिया ये बड़ी सुंदर सा। अब हमको जो दिखाना है, मुझे ये लाइट किधर से दिखाना है पहले ये हमको सोचना होगा, तो हम लाइट इधर से दिखाते हैं, ओके ना, इधर साइड से लाइट आते हुए, तब यहाँ पे हम यहाँ पे
लाइट कलर हम लगाएंगे। तो लाइट कलर लगाने के लिए आपके पास में ऑप्शन है, या तो वाइट पेंट उठाइए, ये देखिए हम ये वाइट उठा रहे हैं ये, ओके, और ऊपर ऊपर इस साइड में ये देखिए हम इसको लगा रहे हैं, ठीक। अब इसमें येलो टोन लगाना है तो येलो आप लगा सकते हैं, येलो का मतलब है कि ये हमने येलो डाला, इसमें ये लगाया, और अब जो ऊपर से जो रंग आपको लगाना है ना, थोड़ा सा गाढ़ा करके लगाना है, ओके, तो उससे ये लाइट वाला उभर के आएगा, ठीक है। तो ये हम बाद में पेंटिंग बनने के बाद जहाँ आवश्यकता पड़ेगी ना, हम वहाँ पे उसको लगाएंगे। अब ये आया ना इधर से लाइट, ठीक, ये तो घबराने वाला बात नहीं है। जब भी आप बनाने के लिए बैठिए ना, तो ये ठान कर चलना है कि आपसे अच्छी पेंटिंग बन जाएगी, ओके। कभी कभी होता है ये देखिए, ये वाइट देने से अब ये थोड़ा सा उभर के आ गया है ना, ये वाला पार्ट। बट और अगर हमको ज़्यादा करना है तो इधर से हल्का सा हम डार्क भी दे सकते हैं, ओके। तो इसी को हम इधर भी लगाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर वाला भाग में लग गया ये देखिए, अब डार्क थोड़ा सा देना है, तो डार्क देने के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रश एक लाना पड़ेगा, लॉन्ग हेयर ब्रश, आ जाइए ब्रश जी, ये हमने उठाया और ये हो गया हमारा ग्रीन, तो ख़त्म हो गया, थोड़ा निकाल लेते हैं ये ग्रीन, इधर लगाया थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा बर्न्ड सेना, ये हमने लगा दिया डार्क वाला, ठीक है। ये अब यहाँ पे हम इसको एक साइड से बस रंग को रखना है डार्क वाले एरिया में, ये थोड़ा सा जो ब्रश है ना गड़बड़ हो गया है, दूसरा ब्रश ले लेते हैं। होता क्या है कि जब एक अच्छा ब्रश होता है ना, जो आपके फेवरेट होते हैं, उससे काम करने में बड़ी मज़ा आता है। तो ये अब उठा करके जहाँ पे गैप वाला एरिया है ना, वहाँ पे आपको डार्क लगा देना, ये देखिए ये नीचे साइड में रखेंगे, वो अपने आप फैल जाएगा, मिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नीचे साइड में आपको शायद ये शेडिंग में दिख नहीं रहा होगा, बट हम यहाँ पे इस रंग को लगा रहे हैं, ठीक। इधर भी यही, मैंने डायरेक्ट ग्रीन को लगाया नहीं है, डायरेक्ट ग्रीन को लेकर के मैंने लगाया नहीं है, उसमें एक कलर मैंने मिक्स किया है जो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। हाँ नलिनी जी, ये बनने के बहुत बाद बड़ी ही सुंदर लगने वाला है, ओके ना। और ये हमारा क्लास आने वाला है, ओके ना, ये एक्रिलिक पेंट में, जिनको ये क्लास ज्वाइन करना है एक्रिलिक पेंट में, अगर आप लोग ऑयल पेंटिंग करते हैं ना, तो आप लोग को एक्रिलिक पेंटिंग का भी टेक्निक सीखना चाहिए, ओके ना। तो ये इसकी क्लास हम ला रहे हैं, ओके, इसकी क्लास होगी स्टार्ट 23 अक्टूबर से, ओके, लाइव क्लास होगी। अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के साथ में हमने लिंक डाला हुआ है, ओके ना। अब यहाँ पे क्या है कि ये घास और ये घास आपस में मर्ज हो रहा है हल्का सा, तो ये वाला घास का ऊपर वाला भाग को थोड़ा सा हम डार्क करते हैं, ओके, कि ताकि ये अलग दिखे, ये ठीक है ना, इसी वाले डार्क से ये
थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ये हमने यहाँ पे लगा दिया ये। ठीक, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ लग रहा है ना। हम प्लेट ऐसे बनाते हैं, नीचे में मैं पेपर लगा देते हैं, ऊपर से पन्नी चिपका दिए ट्रांसपेरेंट वाला। ओके, अरे मैंने तो पंखा ऑन किया ही नहीं, मुझे गर्मी लग रहा है। ओहो, ठीक, अब इधर भी अब ये वाला जो कलर है ना, ये अगर हम इसकी वाइट अगर नहीं करते ना तो ये कलर नहीं आता। ओके ना, बालू वाला भी कलर वैसे अच्छा था, ऐसा बात नहीं है, वो भी अच्छा था, बट ये उससे ज़्यादा अच्छा आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने इस कलर को किया है। अब इसको भी करते हैं, जब ये जब हो गया है तो इसको भी करते हैं। तो और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो ये फिर से हम एक बार इसको करने के लिए रंग आपको दिखाते हैं। ये विरिडियन ग्रीन है, ये शेप ग्रीन है, ये येलो ओकर है, थोड़ा येलो ओकर और हम डाल लेते हैं, येलो ओकर, येलो ओकर जो बोल रहे हैं वही है, ये वाला येलो ज़्यादा है। ओके, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, वाइट भी ले लिए और ये भी, और ये रंग बनाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या कि ये देखिए ये अलग रंग हो गया है, ये ज़्यादा ब्राइट हो गया है जो हमको नहीं चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक डालना भूल गए थे, इसको हमको डल करना है, वो ज़्यादा ब्लैक पड़ गया, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको बना करके यहाँ पे लगा देते हैं इसी के ऊपर में। ये जो बैकग्राउंड में आ रहा है ना, ये फालतू वाला, बाद में हम इसको ठीक कर लेंगे। ओके, बाद में ये ठीक हो जाएगा। ठीक, ये भी आ जाएगा। ये भी ये लीजिए, ओके। अब यहाँ पे इस साइड में हमको, अगर आपको लगता है कि पेंट आपका ज़्यादा लग गया तो आप इसको ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं रंग को, ठीक है। अगर आपको लगे कि पेंट आपका ज़्यादा लग गया है तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये सब भी बताना हमें ज़रूरी लगता है, इसलिए हम आपको बताते हैं। देखेंगे कि इसमें पेंट ज़्यादा लगा था, अब हो गया थोड़ा सा, है ना। तो अब आते हैं इसमें भी लाइट रंग लगाते हैं। तो ये पेड़ का जो कलर है ना, थोड़ा सा हम इससे अलग रखेंगे। ओके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए हम इसमें येलो कर और बंट सेना और इसमें वाइट डाल करके लाइट रंग हमने बनाया, और एक साइड से ये थोड़ा सा येलो टोन लगेगा। ओके, ये रंग को फैलाना है
सूखा ब्रश लेकर के इसी के ऊपर में आपको घीस दे देना है ब्रश को, ठीक है। ये थोड़ा सा येलो टोन में ये आ गया, ओके, बट ये थोड़ा सा येलो हमको ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा हम ग्रीन की मात्रा दे देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ये लीजिए, ठीक। अब बाकी बाद में पेंटिंग बनने के बाद आप ऊपर से भी रिपेयर कर सकते हैं, वो भी हम आने वाले टाइम में करके दिखाएंगे। अब आते हैं इसका जो मिट्टी वाला जो रंग है ना वो बनाते हैं। नहीं, मिट्टी से पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो जड़ है ना वो बना देते हैं। छूटा हुआ था थोड़ा सा, जड़ पे लगाने के लिए ये येलो कर और थोड़ा सा बंट सेना ये रंग लेना है और इसी को थोड़ा सा करना है पतला, इससे हो जाएगा ब्राउन और यहाँ पे ये लगा देना है। बट ये थोड़ा सा हो गया कंट्रास्ट, इसको थोड़ा करना है लाइट, तो लाइट करने के लिए हम सूखा ब्रश लेकर के बिल्कुल सूखा ये पोंछ करके अब इसी को हम थोड़ा सा रब कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो ये अब ये कुछ ऐसा आ गया। ये इधर भी दिखा देते हैं थोड़ा ये, ओके। अब इसको अगर आपको लगता है कि ब्राउन टोन आपका ज़्यादा आ गया है ना, तो थोड़ा सा इसको एक कपड़ा से इसको पोंछ करके उस ब्राउन को हटा सकते हैं, ओके। ये देखिए थोड़ा सा हो गया कम हो गया, ठीक। अब इसका जो मिट्टी वाला जो रंग है ना वो बनाते हैं, देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बन रहा है, बन रहा है ना। हमने कंट्रास्ट कलर इसमें हम लगा नहीं रहे हैं, बिल्कुल लाइट कलर करके लगा रहे हैं, ओके ना। बस अगर आपको ऐसा ही रंग अगर आपको करना है, इतना अगर ये सुंदर आए, तो हम जो कलर बना करके लगा रहे हैं वही कलर आप लोग भी बना करके लगाइए। तो चलिए अब मिट्टी वाला रंग बनाते हैं। तो मिट्टी वाले के लिए हम ये ब्लैक, ठीक है, वाइट मिट्टी रंग बनाना है ना, ये ग्रीन और ये ग्रीन दोनों को ले लिए, ये हो गया। अब थोड़ा सा शेप ग्रीन, ये मिट्टी लगभग में रेडी हो गया है। अब इसमें थोड़ा वाइट डाल करके कितना मिट्टी वाला रंग बनाना है वो आपको देखना है, कितना लाइट बनाना है हमें, ये लाइट बनाना है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे लगा रहे हैं थोड़ा सा येलो, इसमें चाहिए थोड़ा सा, हाँ, येलो कर ये अपने ये रंग के हिसाब से कि आपको कैसा चाहिए आप बना लीजिएगा। ये मिट्टी का रंग बना रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा पेंट लगाना है, ओके। और जिनको भी मेरी एक्रीलिक पेंटिंग की क्लास ज्वाइन करनी है फीस वाली, वो ज्वाइन कर सकते हैं
ये सब तो छोटा मोटा आर्ट है ये, ओके ना, इसीलिए हम ये आप लोग के लिए डेमो के तौर पे लेकर के आते हैं, ओके। इसको यहाँ तक हम ला करके छोड़ दे रहे हैं, ओके। लेकिन अभी तो ये रंग हुआ है, ये अभी इसको ज़्यादा मिट्टी वाला रंग बनाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा रबिंग इसमें हम करेंगे। ये आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा है ना जो हम बता रहे हैं? ये इसको घीस देना है, ठीक है। एक रंग को भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर बाद में आवश्यकता पड़ने पर इसमें और भी कलर हम ऐड कर सकते हैं, ओके। अब इसमें हम थोड़ा सा ये वाइट लेकर के, अभी रास्ता है ना, तो वो कहीं पे मिट्टी ज़्यादा दिख रहा है, कहीं पे कम दिख रहा है ना, तो वो हम इसका लाइट वाला रंग हम लगाते हैं। ये थोड़ा सा ये रास्ता, ठीक, इधर भी थोड़ा सा ऐसे रंग को लगा देना है। पूर्णिमा गुप्ता जी वेलकम। अरे बड़ी अच्छा लगेगा, अभी आप लोग देखते तो रहिए, सुंदर लगेगा ये। हम कलरिंग करें और सुंदर ना लगे, ऐसे हो सकता है? बताइए, मंजू नायक जी वेलकम। ये इसमें थोड़ा ज़्यादा वाइट करना है, तो ये ठीक है ना, नीलम जी वेलकम। जब हम कलरिंग करते हैं ना, हम क्या ये कोई भी जो अच्छे कलाकार है ना, वो इमेजिंग करके बैठता है अपने आर्ट को, कि बनने के बाद हमको ऐसा ये पेंटिंग दिखना चाहिए। जब तक दिखता नहीं है तब तक लगे रहता है। हाँ, बनाते टाइम में उसको और आइडिया आ जाए कि इसको और थोड़ा सा सुंदर करके हम इसको अच्छा बना सकते हैं, तो फिर वो उसी टाइम में उसमें और वर्क करके उसको सुंदर बना देते हैं। वेलकम कुमकुम जी। कुमकुम जी आपका यही नाम है कि और नाम है कोई? ये तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे का नाम है ये, है ना? ये हो सकता है जब आप बच्चे हो तब आपका ये नाम रख दिया गया हो, है ना? अब आते हैं इसी रास्ता को लेकर के, हम इधर साइड में आ जाते हैं, उतर जाते हैं इधर भी, है ना? अभी हम इधर ही रहेंगे। ये मोबाइल में आपको ज़्यादा ग्रीन दिख रहा होगा, बट ये ज़्यादा ग्रीन नहीं है, ओके, ज़्यादा ग्रीन नहीं है। ये YouTube पे देख सकते हैं क्या? ये YouTube पे डाल देंगे वीडियो, और बोलिए, YouTube पे वीडियो डालने के लिए हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं हैं,
इच्छा होता है तो डाल देते हैं, नहीं इच्छा होता है तो डाल नहीं डालते हैं। इसीलिए हमारे YouTube के जो क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर बोलते हैं ना, ज़्यादा नहीं है। ओके, इसीलिए क्योंकि हम YouTube के लिए लापरवाह व्यक्ति हैं, YouTube के लिए वीडियो बनाते नहीं हैं। जो भी उसमें 7500 जो हमारे सब्सक्राइबर है ना, वो फेसबुक के बदौलत हमको मिले हैं। ठीक है, ये जो मिट्टी वाला कलर है ना, अभी हम एक कोट लगा रहे हैं। ठीक है, ये वाला अभी ये फाइनल नहीं है। ओके, अच्छा यही नाम है आपका, अच्छा है, हमको लगा कि ये अच्छा नाम है। वैसे ये कुमकुम वैसे किसको बोलते हैं, हाँ मंजू जी, मंजू मलिक जी, आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और उसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो एक डेढ़ महीना पहले वाले पोस्ट में ये सब वीडियो नंबर 1 से आपको दिख जाएगा, पार्ट 1, 2, 3, 4 ये सब आपको दिख जाएंगे। ओके, हाँ आतिया जी बोल रहे हैं ब्यूटीफुल, यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, हाँ इसीलिए तो हम आराम आराम से बनाते हैं। ओके, जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये इसके कोट लगाने के लिए अब यहाँ पे बड़ा वाला ब्रश को आपको इस्तेमाल करना है। ओके, जहाँ पे एक कोट की आवश्यकता है ना, हम वहाँ पे एक कोट लगा रहे हैं। हाँ पूजा में काम आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये देखिए आतिया जी, ये देखिए कितना अच्छा, हाँ अच्छा है। हमने आपको बताया ही था कि कुमकुम का मतलब ये काफ़ी अच्छा होता है। अब आते हैं इसके पानी के अंदर में घुस जाते हैं, है ना। याद रहे कि अभी पानी भी हम फाइनल नहीं बना रहे, एक कोट में नहीं आएगा। ओके, ये जितने भी जो ये एरिया है, प्लेन एरिया है ना, ये एक कोट में नहीं आएगा। ओके, डबल कोट करना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम अपना फिर रंग बनाते हैं, बट हमें इसकी कलरिंग तो करना है। तो एक कोट लगे चाहे दो कोट लगे, ये मैंने लिख दिया नीला और ये डाल दिया वाइट, इसमें ये डाल दिया ब्लैक, ये कोबाल्ट ब्लू है, इसमें थोड़ा सा पर्शियन ब्लू भी डालना है। हाँ जी, हाँ जी, ऑयल कलर है रीना जी, ये ऑयल कलर है, ये मैंने डाल दिया रंग। अब इसमें थोड़ा सा और वाइट डाल दें, वाइट बोल रहा है का कि हमको भी मिक्स करो, तभी हम वो रंग बनाएंगे, नहीं तो हम तुमको रुला देंगे रंग करने में। ये हमने रंग लगा दिया है, बना दिया, अब यहाँ पे लगा रहे हैं। बट याद रहे कि अभी भी ये रंग हमारा ये फाइनल नहीं है, इसमें और भी हम जब इसको फाइनल करेंगे तो इसमें हम चेंजिंग करेंगे। ओके, बस इसको हम रंग को लगा रहे हैं, तो ज़्यादा नीला पे मत जाइए कि ज़्यादा ये नीला हो रहा है, बिल्कुल इसको लाइट कलर लेंगे, हल्का कलर लेंगे। ओके, हाँ कुछ ऐसा ही रंग यहाँ पे होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे ये रंग को लगा रहे हैं। हाँ प्रिय दर्शनी जी, हम बिहार से हैं बट अब हम दिल्ली के हो गए हैं। ओके, कहे कि इतने सालों से दिल्ली में रहे हैं तो अब हम ये दिल्ली के हैं, ये फिर भी हम पक्का वाला बिहारी हैं। ठीक है, जहाँ बिहार का नाम आता है ना, हम उछल पड़ते हैं।
दिल्ली में, हम उत्तम नगर में रहते हैं। ओके बहुत से लोग बिहार का नाम लेने में कतराते हैं, है ना, और हम बता करके गर्व महसूस करते हैं, है ना। ये आज हम एक बार और लाइव आएंगे, बट दिक्कत ये है कि आज मैच आ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़े वाला ब्रश से मिक्स करेंगे। हम मैच बड़ी ही शौक से देखते हैं, ओके। ज़्यादा नीला नहीं है, याद रखिए कि ये हमने पेंट जो है ना किए हैं, ज़्यादा नीला नहीं है, बिल्कुल लाइट कलर है। और उसकी लाइट कलर करने की वजह ये है क्योंकि आसमान भी हमको नीला कलर का करना है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है ना पानी के अंदर में आएगा, तो इसलिए हम उससे आई ऑल्सो बिलोंग टू बिहार एंड दिल्ली बोथ प्लेस, ओके, यानी आप भी बिहारी हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इधर लगाते हैं। रंग जो भी हमने लगाया है, आप लोग वीडियो को ठीक से देख करके नोट करके अपना बनाइएगा। इसी बात पे बोल दीजिए जय बिहार। उमर जी ये पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में कहाँ से हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत से हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कभी कभी हमको मैसेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ जय बिहार, अच्छा ये कराची से भी कई हमारे फ्लोर्स हैं। ये जो पानी है ना, ये पानी बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगने वाला है, ओके ना। ये पानी में हम नाव भी चला देंगे, ठीक है ना, ये बत्तख भी उड़ा देंगे, तो ये सब में भी आना है। ये अभी एक कोट मारे हैं, इसके अंदर में ये शेडिंग वेडिंग अभी ये देंगे, जब इसकी कलरिंग करेंगे तब, ओके। तो एक बार में तो ये फाइनल होने वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक कोट अभी करके फिर एक कोट बाद में करेंगे, ओके। और ख़ास करके जो प्लेन वाला एरिया है वहाँ पे ये डबल कोट करना है, बाकी ये सब एक बार में फाइनल है, ओके। अब इसमें एक बार और जब हम रंग लगाएंगे तो ये अच्छा से आएगा, ओके ना। अनीता जी आ गई हैं, वेलकम। हमारे स्टूडेंट लोगों को ढूंढते भी आ जाते हैं कि ये कहाँ हैं।
इसको मिक्स करना है, ओके, बड़े वाला ब्रश से इधर ही, ठीक है, बीच में लाइट आएगा और बाकी जब इसको फाइनल करेंगे। कितना देर हो गया लाइव आए हुए? 50 मिनट हुआ है अभी, वो कभी 50 ही मिनट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। ये जल्दी से समाप्त हो तो और कोई आप लोग के लिए आर्ट छोटा मोटा लेकर के आएंगे, लंबा चलने वाला लेकर के नहीं आएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। ये बहुत से स्टूडेंट लोग का ये होमवर्क आया है मेरे पास में, ये आर्ट का, तो उनके साथ में दिक्कत हुई है कि ये जो बालू उन्होंने इस्तेमाल किया है ना, वो काफ़ी मोटा वाला इस्तेमाल कर दिए हैं, ओके, इसलिए थोड़ी सी उनके में वो बात की थोड़ी सी मिसिंग है। अब यहाँ पे हम स्काई ब्लू टाइप का लगाएंगे, ओके, तो स्काई ब्लू लगाने के लिए भी हम यहाँ पे थोड़ा सा आसमान जब बनेगा तो हम यहाँ पे रंग निकाल लेते हैं वाइट और थोड़ा सा ये ब्लू, ज़्यादा ब्लू हो गया क्या, होने दीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा ये ब्रिडियन ग्रीन, थोड़ा सा ब्रिडियन ग्रीन और थोड़ा सा ब्लैक, ब्लैक डालने से इसकी जो ब्राइटनेस है ना थोड़ी सी कम हो जाती है, ओके। अब इसमें हम ऑयल डाल करके अच्छा खासा इसको पतला करेंगे और इसके एक रंग अभी लगाएंगे और जब बादल बनाएंगे ना तो उसमें हम वो इफेक्ट दिखाएंगे। ये हम पेंट को पतला कर रहे हैं, ओके, अब इसी पेंट से अब हम इसकी बादल का सिंगल कोट देंगे, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल पतला करके रखिए। हाँ 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 तो जिनको भी ये क्लास में इंटरेस्ट है एक्रिलिक पेंट में, ऑयल में नहीं एक्रिलिक में, उसकी ये लाइव क्लास हम लेकर के आ रहे हैं, लाइव क्लास, इसका लिंक इसी वीडियो के साथ में है। और बाकी अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 9891338339 पे कांटेक्ट करके आप इस क्लास के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को, ओके, इसमें भी आपको अच्छा खासा आपको सीखने के लिए मिलेगा। और हमको जहाँ तक मानना है कि अगर आप लोग ऑयल में काम करते हैं ना तो एक्रिलिक का भी काम आप लोग को सीखना चाहिए, है ना, हर आर्ट आपको आना चाहिए, हर आर्ट आएगा ना वो तब जाके आप अपने आर्ट में मुकम्मल बनेंगे। नहीं तो एक ही आर्ट अगर करेंगे तो वो बात नहीं आएगी। चाहे म्यूरल हो, रिलीफ हो, जो भी काम है, चाहे थोड़ा सा ही कीजिए लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ये लीजिए, मैंने इसमें भी पेंट एक कोट लगा दिया, ठीक, नाइन एट 9131338339 यहाँ पे हमारे कोई स्टूडेंट देख रहे होंगे तो प्लीज़ करके नंबर डाल दें यहाँ पे, अभी आपको नंबर भी मिल जाएगा,
हमारे स्टूडेंट लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं नंबर डालने के लिए। ये एक कोड हमने यहाँ पे लगा दिया। एक बार में तो मैंने इतना पेंट कर दिया, अब इसको भी करते हैं ये वाला पार्ट को। ठीक है, ये देखिए कितना सुंदर लगने लग गया है ना। अभी इसमें काम बाकी है, फाइनल नहीं है, इसमें भी इधर शेडिंग डालेंगे है ना, ये डार्क लाइट का, तो ये उभर के आएगा। तभी आप लोग इस पर मत जाइए कि ये, और बाकी आप देख सकते हैं कि ये रियल में लगने लग गया, ये नेचुरल में लगने लग गया। कल्पना भार्गव जी वेलकम। तो अब आते हैं इस पे डालने के लिए। तो यहाँ पे रंग और ये वाला रंग में, ये वाला रंग को हम नीचे के साइड में डालेंगे, या ऐसा करते हैं उधर नदी के पार है, नदी के इस पार है, तो उधर अलग रंग दिख रहा है, इधर थोड़ा सा अलग रंग करके बनाते हैं। तो रंग बनाने के लिए हम ये रेडियन ग्रीन, शेप ग्रीन, येलो कर, ब्लैक और इसमें वाइट डालेंगे। ये वाइट देखिए, ये ऑयल कलर है। ठीक, जो लोग नए आए हैं कृपया करके एक बार वीडियो को वो शेयर जरूर करें, ठीक है ना। ये रंग से अब हम इसको लगाएंगे, थोड़ा सा पेंट को पतला कर देते हैं, बिल्कुल पतला। ये देखिए हो गया पतला, और यहाँ पे हमने ये लगा देना है। लग जा भाई, और अभी जो ये रंग जो हम लगाए हैं यहाँ पे, दो दिन तक ये रंग सूखने वाला नहीं है। ओके, तो खैर कोई बात नहीं, तब तक और हमारे पास में काम करने के लिए है। ठीक है, आज जब काम करने के लिए है तो फिर दिक्कत वाली क्या बात है ना। पिंकी जी वेलकम। ये देखिए इधर भी, और थोड़ा सा यही रंग हम इधर भी लगा देते हैं। ये मिट्टी वाला बाद में हम रंग को देखेंगे, अब ये वाला बनाते हैं, इसको भी रंग लगा ही देते हैं, इसको काहे छोड़े। तो इसके लिए हम ये लिए और ये रंग डाले बंट सेना, और बाकी इसमें व्हाइट ये सब रंग डाला हुआ है, थोड़ा सा और ब्लैक। ठीक है, बंट सेना और ब्लैक और थोड़ा सा वाइट आ जाएगा, येलो कर भी आप डाल सकते हैं। और इसी में हम यही गंदा वाला ऑयल है ना, ये देखिए ये गंदा हो गया है। ठीक है, फिर भी हम इसको इसमें डाल दे रहे हैं क्योंकि हमको यही रंग चाहिए। ओके, ये लकड़ी का ये पुल है, और वो लकड़ी हो गया है पुराना। ठीक है, तो इसलिए हम इसका रंग भी पुराना लगा रहे हैं, फिर बाद में इसमें आवश्यकता होगी तो हम इसमें और रंग लगा करके इसको शेडिंग दे करके सुंदर बना देंगे।
और वो अभी ही डाल के बना देते हैं, चलिए अभी ही सुंदर बना देते हैं इसको, छोड़िए बात का चक्कर ही नहीं। इधर ये आ जाएगा, ये रंग इधर, ये भी इधर आ जाएगा, ये अब बताइए कि मैंने एक घंटे में इतना रंग लगा दिया है ना, एक घंटा हुआ ना अभी। ओके अब इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये अब इसको हम अब ऑयल को हम थोड़ा बदल देते हैं, ऑयल मेरा ज़्यादा गंदा हो गया है। ये देखिए ये ऑयल है ना, ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल दिया। ओके और ये जब ये इसके अंदर में मिक्स हुआ है, ये ऑयल हमारा बाद में फिर से काम आ जाएगा, ठीक है। ये जब भरते जाएगा यहाँ तक भर जाएगा ना, फिर बाद में ये जितनी भी गंदगी है ना वो सब नीचे बैठ जाएगी, तो ऊपर वाला आपका ऑयल साफ मिल जाएगा, तो आप इसको फिर से यूज कर सकते हैं। और ये हम भर भर के रखे रहते हैं, ठीक है। ये अब इसमें हम ऑयल ये फ्रेश वाला डाल रहे हैं, ये लीजिए बिल्कुल फ्रेश। मेरा रंग थोड़ा ब्लैक कहाँ गया, ब्लैक भैया ये ब्लैक, ये देखिए ये हमने लिया ये बर्नड सेना, और ये है थोड़ा ब्लैक, ये थोड़ा डाल दिया पानी, नहीं नहीं ऑयल ऑयल। इसके अंदर में आपको इसको फील करना है, ये ऑयल है, ठीक। ये देखेंगे कि ये सब ऑयल कलर है, ठीक है ना, ये ऑयल कलर है, देखिए आर्टिस्ट ऑयल कलर, ठीक। तो यही कलर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई कलर मेरे पास में नहीं है, ऑयल कलर ही है, ठीक। ये अब यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ब्लैक और बर्नड सेना को आपस में मिक्स करके के बीच वाले गैप को, अब इधर से ये शेडिंग आ रहा है। ओके तो हम यहाँ पे इधर भी लगा देते हैं रंग को, ओके इधर भी। अब छोटा वाला जो ब्रश है उसको थोड़ा साफ करते हैं, बिल्कुल साफ। ये थारपिन ऑयल है, ये तो क्लियर है, हाँ ये थारपिन ऑयल है ना, आपको बता रहे हैं कि मार्केट में हल्का सा येलो टोन में भी मिलता है, ओके ना, तो वो आर्टिफिशियल होता है, बनाया हुआ होता है। और जहाँ तक हमको पता है कि वो दुकानदार से मैंने एक बार बात मैंने किया था कि भाई ये बनाता कैसे है, तो वो बताया था कि डीजल में नमक डाल करके और कुछ केमिकल डाल के बनाता है। तो वो जो तारपिन तेल को अगर आप लाते हैं ना, तो उसमें अगर ये खुशबू अगर डीजल के हो तो मान लीजिए कि उसमें मिक्सिंग वाला है। कल्पना जी इसका ड्राइंग चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भेजिए। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बट एक मिनट ये ज़्यादा मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा
मेरा कपड़ा ये रहा। एक साइड से ये हल्का ये मिक्स होगा डार्क में जो मैंने इधर लगाया है। ओके ये अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और हो सकता है हम आज हम फिर इसके लिए लाइव आएंगे। ओके और आपको बता रहे हैं कि ये जो अभी हम जो बना रहे हैं ना ये एक की तरह से ये मेरा अभी ये फाइनल नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम इसमें डार्क लाइट का इसमें शेडिंग डाल सकते हैं। सर व्हाट इज़ द यूज ऑफ थिनर एंड ऑल इन ए पेंटिंग? नहीं ये प्रियदर्शनी जी इसमें आप थिनर यूज नहीं कर सकते। ओके इसमें आप मिट्टी का तेल या तारपीन तेल ही आप यूज आप करेंगे। ओके इधर साइड भी थोड़ा सा हम ये लगाते हैं पतला वाला ब्रश से, ये डार्क वाला है ना, इधर साइड भी ये जो इधर साइड में आना है ये क्योंकि इसी का पार्ट है ना ये। हाँ अभी ये पेंटिंग बनने के बाद बहुत सुंदर बनेगी, अभी बनने दीजिए ना, जब मैंने इसमें टाइम लगाया है तो इसको हम सुंदर भी बनाएंगे है ना। और आप लोग को घबराने वाला बात नहीं है, आप देखेंगे कि अभी हम एक घंटे के अंदर में इतना कलरिंग मैंने किया है, ये इतना इतना ओके इतना ठीक है, तो इसमें चार पांच क्लास मेरे ख्याल से और लग सकता है इसको ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। और इसको हमको ज़्यादा सुंदर ही बनाना है क्योंकि आने वाले टाइम में इसका हमारा होगा पेड क्लास। ओके ये ऑयल कलर है, जो लोग नए आए हैं कृपया करके एक बार वीडियो को शेयर कर दें। हम आप लोग को यही बोलते हैं जब भी आपको कहीं भी फ्री में अगर आपको सीखने के लिए मिलता है ना तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनसे कुछ भी ज्ञान लेते हैं तो उनका वीडियो शेयर करके उस दायित्व को निभा सकते हैं, उनका सपोर्ट कर सकते हैं। ये मिक्स हो गया ये अच्छा से ठीक है ना। अब बाद में इसमें आवश्यकता होगा तो हम इसमें वाइट लाइट कलर का इसमें थोड़ा सा और इसमें बाद में देंगे, अभी नहीं बाद में ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा ये लगने लग गया, लकड़ी का पुल लगने लग गया ना। बट अभी ये जो रास्ता वाला कलर है ना अभी ये फाइनल नहीं है, इसको भी करेंगे। ओके तो अभी मैं क्या करूं, इसको भी कर दूं क्या बैकग्राउंड वाला रंग, इसका बैकग्राउंड वाला रंग भी बना देते हैं। बट इस वाले बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा अलग रंग बनाएंगे। ये हमने लिया प्लेट और इसमें वाइट ये सब तो डाला हुआ है ही है, इसमें और वाइट डाल देते हैं। सर देन सर व्हेन डू यूज थिनर ऑयल इन नॉर्मल ऑयल पेंटिंग? नहीं आपको किसी में थिनर यूज नहीं करना है। ओके वो पेंट को फाड़ देगा। ओके ये थोड़ा सा हम इसमें ये ब्लू थोड़ा सा ये ग्रीन थोड़ा सा और ब्लू
थोड़ा सा ये वाला, हाँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ये ब्लू आना चाहिए, थोड़ा सा ना मैच का, और थोड़ा सा ब्लैक, और बाकी हमने इसमें ऑयल डाल करके इसको पतला करना है। आ जाइए, ये तो गंदा वाला ही ऑयल हम डाल करके इसको पतला कर रहे हैं। आई हैव सेंड योर वीडियो इन अदर ग्रुप, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए, अब यहाँ पे इस रंग को हम लगा रहे हैं, ये बोर्ड का साइज क्या है, बोर्ड का साइज है 18 इंच बाई 24 इंच, ओके। और ज़्यादातर हम ऑनलाइन में इसी साइज का इस्तेमाल करते हैं, ओके ना, क्योंकि ये वीडियो को बनाने में एक तो ये आसान रहता है, अब ज़्यादा बड़ा सा बोर्ड ले ले उसको फिर दिखाने में मुश्किल हो जाएगा, है ना। यकीन है कि यही साइज है या माप के दिखा दे, बताइए कल्पना जी, हमारी बात को यकीन कर रहे हैं कि नाप के दिखा दे। ये मैंने रंग लगा दिया इधर, हाँ ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने पेंटिंग को बनाया है ये वैसे ही आपको इसकी कलरिंग करना है, जैसे जैसे मैंने बताया है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग करना है। अभी ये हमारा अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी कंप्लीट होने में वक्त लगेगा, ओके ना, बट ये अब इसकी कलरिंग स्टार्ट हो गया है, तब ये जल्दी हो ही जाएगा, ठीक है ना। आपको बताते हैं कि ये हमारा है 9 इंच का है, ठीक है, 9 18 और ये हो गया 6, इधर से हो गया ये देखिए, ठीक है ना, तो ये 24 हो गया, इधर से माप दे 9 18, ठीक है 18 हो गया ना, 18 24, निशी केजरीवाल जी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए तो हम आपको बता देंगे, ओके ना। और इंग्लिश तो हम थोड़ा समझ लेते हैं, बट थोड़ी सी बोलने में हमारी दिक्कत है। ओके, अब ये देखिए अभी भी गीला है,
ऑयल कलर मैंने किया है ना, तो अभी भी ये गीला है। तो सर आप पे पूरा विश्वास है, बड़ी लेट के बाद रिप्लाई किए हैं, पहले देख लिए हैं कि हम आपके दिखा दिए हैं तब ये बात आप बोल रहे हैं, बड़ी चलाक हैं। सही है, बिल्कुल सही है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। हम तो घड़ी साबुन का प्रचार कर दिया। तो ये देखिए, अभी के लिए हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और ये जिनको भी इस क्लास को ज्वाइन करना है, इसकी लाइव क्लास आने वाली है मंडे से, एक्रिलिक से, एक्रिलिक कलर से हम ये बनाना आप लोग को सिखाने वाले हैं। ये जिनको भी ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के साथ में लिंक दिया हुआ है, ओके ना, वो लिंक के माध्यम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे नंबर भी आपको डाल देते हैं, ठीक, और आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या है? नहीं सर, हमारी नहीं, नहीं आपकी इंग्लिश के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये जो निशी जी है ना, उनकी इंग्लिश बड़ी ही अच्छी है। ये हम नंबर यहाँ पे डाल दिए, ठीक। हमें पता है कल्पना जी, आपकी भी इंग्लिश हमारे ही तरह है ना, आधा समझ में आता है आधा नहीं आता है, बट आ जाता है समझ में, ठीक। तो ये हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है, ओके। अभी इसमें ये पानी अभी कंप्लीट नहीं है, ये रास्ता कंप्लीट नहीं है, अभी ये बनने के बाद ही अच्छा लगेगा, ओके। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा, आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें डार्क लाइट और हम दे सकते हैं, ओके। तो एक बार आप लोग अगर वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ओके। तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर हो सकता है तो हम आज फिर लाइव आएंगे इसको बनाने के लिए, ओके। तब तक बाय बाय, टेक केयर।